तो गाइस मिस मार्वल शुरू हो चुका है और मार्वल ने फाइनली एक ऐसा सुपर हीरो हमारे सामने निकाला है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। मतलब फर्स्ट एपिसोड से उम्मीदें कम थी लेकिन इस उम्मीदों को अच्छे से तोड़ा गया है। इस ट्रिक तो इतने सारे थे कि शायद मैं कॉपी में लिखने के बाद भी आपको पूरे नहीं बता पाऊंगा। ये शो बहुत ही अच्छा था और फर्स्ट एपिसोड ने मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। ये कहानी है कमाला खान की जो एक टीनेजर है और उसकी प्रॉब्लम्स भी टीनेजर वाली है। जैसे हम फैंटेसी लैंड में रहते हैं ना कि हमारी क्रश में फोन करेगी, ऐसे ही कमाला खान भी एक फैंटेसी लैंड में रहती है। वो चाहती है दुनिया को बचाना और वो सारे एवेंजर्स को बहुत ज्यादा प्यार करती है। सारे के सारे एवेंजर्स का, ऑलमोस्ट सारे एवेंजर्स का, सारे मार्वल के हीरोज का इस एपिसोड के अंदर कैमरे दिखाया गया है। लेकिन जो फेवरेट उसकी एवेंजर है, जिसको बहुत ज्यादा प्यार करती है, जिसको मिलने के वो सपने देखती है, वो है कैप्टन मार्वल। और मेरे फैंस तो ऑलरेडी जानते हैं ना मैं कैप्टन मार्वल कितना पसंद करता हूँ। तो हम देखते हैं कमाला खान जो है वो अवेंजर कौन में जाने की बात करती है। मतलब वो ये चाहती है कि अवेंजर्स कौन जो होने वाला है ना, उसके अंदर वो कैप्टन मार्वल की ड्रेस पहन के जाए और वहां पर जाके जीते। ये उसका अल्टीमेट गोल है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हैं कि टीनेजर जो है ना अपनी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं वर्ल्ड के आगे, और यही कमाला खान चाहती है। उसका फ्रेंड है जिसका नाम है ब्रूनो करेली, जो कि हर चीज में उसकी हेल्प करता है। लेकिन जैसे इंडिया में होता है ना, वैसे पाकिस्तान में भी होता है। मतलब हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, दे आर सो कंजर्वेटिव एंड दे आर सो मच थिंकिंग अबाउट अस, वो हमारे भले के लिए हमें मना भी करते हैं। इसी एपिसोड के अंदर दिखाएंगे कि जब भी वो अपने फादर और अपनी मम्मी के साथ में एक वर्ड को शेयर करती है कि मुझे अवेंजर कौन जाना है, मुझे अवेंजर वाली कॉस्ट्यूम पहननी है, उसके पापा और उसकी मम्मी टोटली मना कर देते हैं। मतलब कई बार हां भी तो करते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में, और मैं इसके साथ में टोटली रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि मैंने बहुत बार जब बचपन में पूछा था ना मम्मी पापा से कि मैं क्या ये कर सकता हूं, उन्होंने कहा था नहीं। मतलब ऐसा भी होता था कभी कभी मैं पूछता था मैं वहां जा सकता हूं, तो मम्मी बोलती थी पापा जाएंगे साथ में। और एग्जैक्टली सेम ही हुआ इस एपिसोड के अंदर। हम देखते हैं जो उसकी माँ है वो बोलती है कि अगर तुम्हें जाना है एवेंजर कौन बने तो तुम हल्क वाली कॉस्ट्यूम पहन के जाओ, फिर साथ में तुम्हारे पापा जाएंगे जो कि 2 घंटे तक तुम्हें उसके अंदर लेके जाएंगे। और हम देखते हैं मोहन कपूर। मोहन कपूर इज फैंटास्टिक। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूं, मोहन कपूर वॉइस एक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज के। जी हाँ, यानी हिंदी में जो डॉक्टर स्ट्रेंज की आवाज सुनते हैं ना वो मोहन कपूर ही देते हैं। लेकिन मेन चीज जो मुझे लगी शो के अंदर वो ये है ना कि पाकिस्तानी कल्चर को और इंडियन कल्चर को कुछ इस तरह से मिक्स करके दिखाया गया है ना कि आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो टीनेजर है कमाला खान और उसकी फैमिली, ये टोटली पाकिस्तानी है। हाँ, मुस्लिम कैरेक्टर है ये ऑब्वियसली, बट मेरे को तो पूरा लगा कि हमारे जैसा सिमिलर होता है ना, जैसा हमारी लाइफ में सेम इसकी फैमिली के अंदर भी हो रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी Everybody same and I love all the religions. इस शो के अंदर मुझे इंडिया का टच भी देखने मिला कहीं ना कहीं। मतलब हाँ, मुझे पता है कि सारे के सारे पाकिस्तानी कैरेक्टर्स हैं और कमाला खान एक पाकिस्तानी सुपर हीरो है। कुछ लोग इस वर्ड को सुनकर ट्रिगर होने वाले हैं और बोलेंगे कि मैं ये शो नहीं देखूंगा, बट ट्रस्ट मी, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है और इसको आपको ज्यादा सीरियस नहीं लेना, बस इस शो को देख के आपको एंजॉय करना है। कमाला खान जब जाती है एवेंजर कौन में, तो आप ये समझ सकते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जितने भी एवेंजर्स हैं, जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जितने भी हीरोज हैं ना, उन सबका कैमियो इस अवेंजर कौन के अंदर देखने को मिलेगा। मैं आपको गिन के नहीं बता सकता क्योंकि आप ये समझ लो सब हैं। हेला भी है, थॉर भी है, मतलब क्या क्या बताऊं मैं, क्या क्या है इसके अंदर, सब कुछ है। लेकिन 2-3 चीजें हैं जो कि आपको डेफिनेटली अलग से देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ईस्टर एग्स हैं। सबसे पहले आप कमाला खान की टी शर्ट को देख सकते हैं, जहां पर हमें 3 फेमस सुपर हीरो देखने को मिलती है। एक है हमारी वॉस, बीच में है कैप्टन मार्वल और लास्ट में है वॉल्करी। जोक भी हमें देखने को मिलता है जो कि अवेंजर एंड गेम में देखा था, यानी कैप्टन अमेरिका का एस जोक। उसके बाद जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ पर नताशा और टोनी को एक अच्छा ट्रिब्यूट दिया गया है। हमें पता है दोनों जो है वो अवेंजर एंड गेम के अंदर मर गए थे और पूरा वर्ल्ड अब इस बात को जानता है। तो अवेंजर एंड गेम के बाद ना अब इसके अंदर, यानी कि मिस मार्वल के अंदर, मैं फाइनली दोनों का ट्रिब्यूट देखने को मिला है, विच इज सो गुड। उसके बाद हम देख सकते हैं एक बंदा जो है उसके बैनर पे लिखा है न्यू एस्गार्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स। यानी एक्चुअली में, जैसे कि आपको पता है थॉर 1100 के अंदर ना न्यू एस्गार्ड पर बहुत सारे लोग टूर एंड ट्रैवल करने आएंगे बाय शिप, तो ये उसी का पैम्पलेट जो है वो लोगों को बांट रहा है, यानी दोनों को अब कनेक्ट कर दिया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ईस्टर एग्स हैं, बट 2 ईस्टर एग हैं जो कि एपिसोड के बिल्कुल एंड में आपको देखने को मिलती हैं। तो बिल्कुल जैसे ही नंबरिंग खत्म हो रही होती है ना, हमें क्रेडिट्स देखने को मिलते हैं ना, वहां पे एक वैन जाती है जिस पे लिखा होता है ट्रस्ट अ ब्रो। अब ऑब्वियसली आपको ये बात पता है, ट्रस्ट अ ब्रो मींस ये हॉकाई का रेफरेंस है, पर जो ट्रैक सूट माफिया थे ना वो ये वाली कंपनी चलाते थे। तो हाँ, एक और ईस्टर एग है।
तो पूरे एपिसोड खत्म होने के बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर हम देख सकते हैं, हमें देखने को मिलते हैं DODC यानी डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। ये वो डिपार्टमेंट है जो कि एक्चुअली में मिस्टर स्टार्क के अंदर आता था बहुत पहले, और अब ये इंडिपेंडेंट यूनिट बन चुकी है। जो भी बच्चे वाले सुपर हीरोज है ना, अगर वो कुछ गड़बड़ करते हैं ना, तो ये डिपार्टमेंट पर नजर रखता है। और इस बंदे को आपने कहां देखा था? इस बंदे को आपने देखा था स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर, जब ये पीटर पार्कर को पकड़ता है और बोलता है कि मिस्टीरियो के ड्रोन तुम्हारे पास थे, तुमने ही सब कुछ किया है, और लंदन में जो अटैक हुआ था ना वो तुमने ही किया है। तो वही सेम एक्टर हमें देखने को मिलता है वापस से, जो कि अपनी कलीग से बोलता है कि हाँ, नया सुपर हीरो आया है टीनेज पावर के साथ, एक काम करो उसको पकड़ के यहां पर लेकर आओ। तो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल जो है वो अब कमाला खान के पीछे पड़ चुका है। मेन प्लॉट के नाम देख सकते हैं कि कमाला खान की जो नानी है, जो कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। बस ये बताया गया है कि उसकी नानी ने कुछ सामान भेजा था घर पर, जहां पर एक ब्रेसलेट भी था। जैसे ही कमाला खान उस ब्रेसलेट को वेयर करती है ना एवेंजर कॉन के अंदर, उसको कॉस्मिक पावर्स मिल जाती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर दो तीन चीज हो सकती है। पहला ये कि उसकी जो नानी है ना, वो किसी तरह की कॉस्मिक एंटिटी हो सकती है, या फिर उनके पास कहीं ना कहीं कोई एंशियंट रेलिक हो सकता है। भाई कॉमिक्स के अंदर तो टेरिजन मिस्ट नाम का एक धुआं था, जिससे कमाला खान को यानी कि मिस मार्वल को उसकी पावर्स मिलती है, और वो कंसीडर की जाती है इनह्यूमंस। अब एमसीयू के अंदर अभी तक इनह्यूमंस तो नहीं है ऑफिशियली। हाँ, हमें ब्लैक बोल्ट देखने को मिला था डॉक्टर चेंज के अंदर, उसके साथ क्या हुआ था आपको ऑलरेडी पता ही है, रिप ब्लैक बोल्ट। बट आप ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं टेरिजन मिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हटाकर मार्वल ने एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर डाला है। और यहां पर मैं ये समझ रहा हूं कि इस बैंड के अंदर ना, या फिर इस ब्रेसलेट के अंदर ना कहीं छोटा सा टेरिजन क्रिस्टल भी हो सकता है। आप देखते हैं कि जब मिस मार्वल जो है यानी कमाला खान जो है उन्हें पावर्स इस्तेमाल करती है ना, तो उसकी जो पावर्स हैं वो कॉस्मिक होने के साथ साथ एक क्रिस्टलाइज फॉर्म भी होती है। अब ये क्रिस्टलाइज फॉर्म कहां से आती है? ऑब्वियसली टेरिजन मिस का जो क्रिस्टल है उससे ये पावर्स बन सकती है। यानी अगेन मैं बोलूंगा, इस ब्रेसलेट के अंदर ना टेरिजन क्रिस्टल हो सकता है। ये ऐसा क्यों किया गया है? आपको ऑलरेडी बात पता है कि कॉमिक्स के अंदर और कार्टून के अंदर ना मार्वल की जो पावर्स थी ना, वो एक्चुअली में पावर्स थी स्ट्रेचिंग वाली, यानी मिस्टर फैंटास्टिक वाली। लेकिन एमसीयू के अंदर इसको थोड़ा सा चेंज किया गया है, ताकि जब मिस्टर फैंटास्टिक आए ना, तब आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि इन क्रिस्टल का इस्तेमाल करके वो कुछ भी बना सकती है। मतलब चाहे वो हाथ लंबा करना चाहे तो हाथ लंबा भी कर सकती है। एक सीन के अंदर में दिखाया भी गया है, और इसी पावर का इस्तेमाल करके, इसी कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकती है। ये कॉस्मिक एनर्जी टोटली सिमिलर है कैरल डैनवर्स के साथ में और हमारी मोनिका रैम्बो के साथ में। ऑलरेडी पता है कि मोनिका रैम्बो, कैरल डैनवर्स और अब मिस मार्वल तीनों के पास कॉस्मिक एनर्जी है, जो कि द मार्वल्स मूवी के अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो हाँ, ये था वो एपिसोड एंड आई एम सो मच इम्प्रेस विद दिस शो। मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी कि हाँ भाई, मिस मार्वल का फर्स्ट एपिसोड मुझे इम्प्रेस करने वाला है। बट हाँ, अगेन मार्वल जब भी शो निकालता है ना, तो कुछ सोच के निकालता है, एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। और हाँ, जाते जाते ना अवेंजर 5 वाली वीडियो मैं आपको सर्च करके जा रहा हूँ। ये रही वीडियो, यहाँ पे आएगी, अवेंजर 5 की वीडियो है। क्या क्या होने वाला उसके अंदर सब कुछ मैंने बताया, फटाफट से देख लेना।